हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द 117 में। आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बारे में। बात यहां पर यह है कि करीब करीब एक साल पहले एयरटेल आइडिया वोडाफोन ने मिनिमम रिचार्ज प्लान लॉन्च करा था, जहां पर आपको एक फिक्स्ड वैलिडिटी मिलेगी और इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल के लिए आपका मोबाइल में वैलिडिटी होना जरूरी है, जिसके लिए आपको एक मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता है। यह रूल अभी भी है। अभी भी अगर आप मिनिमम रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका नंबर यहां पर बंद होना तय है। अब लोगों को लगने लगा था कि भाई अब तो महंगा हो चुका हर चीज, अब मिनिमम रिचार्ज वाला कोई लफड़ा यहां पर नहीं रहेगा, बट अभी भी आपको मिनिमम रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब मानो अगर आप अनलिमिटेड रिचार्ज अपने मोबाइल में आपने करवा रखा है, आपका वैलिडिटी आज खत्म होता है तो आउटगोइंग आपका आज बंद हो जाएगा, और अगले 7 दिनों के अंदर अगर आप फिर से रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपका इनकमिंग कॉल आना भी बंद हो जाएगा। यह है यहां पर पूरा मामला। तो उसके लिए आपको अभी भी मिनिमम रिचार्ज करवाना पड़ेगा और आपका वैलिडिटी खत्म होने के बाद 7 दिनों के बाद आपका इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाएगा। एयरटेल के लिए मिनिमम रिचार्ज आपका 23 रुपये का है, जहां पर आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, बैलेंस वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलता है। और वोडाफोन आइडिया में आपको 24 रुपये का प्लान मिलता है, जिसमें आपको कुछ टॉक टाइम मिलेगा और साथ ही साथ आपको वहां पर 14 दिनों की वैधता मिलेगी। तो दोस्तों, यही आज का एक छोटा सा वीडियो कि आपको अभी भी मिनिमम रिचार्ज करवाना पड़ेगा एयरटेल आइडिया वोडाफोन में, अगर आपको अपने नंबर को एक्टिव रखना है तो। अगर आप उसमें मानो अनलिमिटेड प्लान नहीं यूज़ करते हो तो आपको मिनिमम रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा, और अगर आपका अनलिमिटेड प्लान खत्म हो जाता है तो आपको 7 दिनों के अंदर अगर आप फिर से रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपको मिनिमम प्लान रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता है एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।